एक क्वेश्चन मुझे पिछले 4 दिनों से रोज आ रहा है, तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, बिकॉज ऑकल्ट फील्ड के कई लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं उससे पहले या तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है या जब हम आते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्या रीज़न है कि हमारी एनर्जी किसी और की हेल्प करने में भी कम हो जाती है, जबकि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी मल्टीफोल्ड होनी चाहिए, या सिमिलर प्रॉब्लम्स हमारे घर में क्यों अराइज हो जाती है। हाय, मेरा नाम है रिचा एंड आई एम एन एनर्जी एल्केमिस्ट हुज बीन टेकिंग यू ऑन योर जर्नी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हम काम जितना भी ऑकल्ट फील्ड में करते हैं हम एनर्जी से डील करते हैं, लेकिन हम एनर्जी को समझते नहीं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नज़र नहीं आती। आप जब भी अपनी बॉडी में हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी फील करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी में से कुछ ड्रेन्ड है या एक्सेस है। जब आप खुश होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी मल्टीफोल्ड हो गई है। अदर देन दैट, जब आपकी एनर्जी ड्रेन होती है तो आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी आप बहुत लो फील कर रहे हैं अंदर से, आपको कारण भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत लो फील होती है, या आपको हेडेक या कोई भी इस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? आप खुद एक कंप्लीट एनर्जी फॉर्म है, आपकी बॉडी एक एनर्जी का मीडियम है, आपकी सोल एक एनर्जी है। आपको पहले सबसे पहले ये चीज़ क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि आप खुद एक एनर्जी बीइंग है, आपकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपकी सोल वाइब्रेट करती है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग ऑन द इमोशंस जो आप रोज़मर्रा के जीवन में आपके आसपास लोग या आपकी सोल की जर्नी उन इमोशंस को कैरी कर रही है। आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस में रहते हैं, आप एक्सट्रीम सैड इमोशंस में रहते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक्सट्रीम गिल्ट में रहते हैं, जो भी आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं या चलते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी, आपकी बॉडी की एनर्जी मीटर को सेट करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया कि हम कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करें और डील करें। तो आप जब भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी में, जिस तरह से मैंने अभी शेयर किया, सेट होते हैं। अब जब आप किसी और के घर काम करने जाते हैं, इसी तरह से सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी उनकी भी होती है, लेकिन वो एक अलग एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप जब एक फ्रीक्वेंसी से निकल के दूसरी फ्रीक्वेंसी में जाने लगते हैं, बिकॉज हम जिस यूनिवर्सल ग्रिड में हैं ये भी पूरा एंटायर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो जब दो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, आप रेडियो भी सुनते हैं तो आप देखते हैं जैसे ही आप 92.7 की फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सॉन्ग सुनाई देता है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन। इसी तरह से जैसे ही आप किसी और की एनर्जी ग्रिड में जाते हैं, किसी और की एनर्जी स्पेस में जाते हैं, तो आपकी बॉडी एक डिफरेंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन होती है, और जैसे ही वो ट्यून इन होती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो है, आपकी एनर्जी वो ड्रेन करना शुरू कर देती है, मीनिंग वो आपकी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी पुल करना शुरू कर देती है, एंड आप एक बैकवर्ड साइकिल ऑफ एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। सो एनर्जी इस तरह से काम करती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपको दिखती नहीं, खाली महसूस कर सकते हैं, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन एनर्जी इज़ द ओनली फैक्टर जो आपकी लाइफ को ड्राइव करता है। इसको इम्पॉर्टेंट समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे अगर आप एनर्जी को समझ पाएं तो आपकी डे टू डे लाइफ बहुत इजी होती है। आप ऑकल्ट के जिस भी फील्ड में डील करते हैं, आपके लिए उन चीज़ों को समझना, अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करना, क्योंकि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशन पे राइज होनी शुरू होती है, वैसे ही आप देखेंगे कोई आपसे कोई बात भी कर रहा है, आप एक ही सेकंड में बिना देखे, बिना कोई बात किए भी उसको जवाब देते हैं, एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर जो वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जब भी आप किसी एनर्जी ग्रिड में जाके नया काम शुरू करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस एनर्जी को कैसे डील करें, क्योंकि जब भी आप ऑकल्ट फील्ड में हैं तो आप एक तरह की हीलिंग ही कर रहे हैं, चाहे आप उसको किसी भी मीडियम से करें, बट आप एक तरह की उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हीलिंग। तो आपको आपके प्रोटेक्शन रखना उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उस एनर्जी को समझें, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे डील करना है वो आप समझें, तभी आप किसी को रिजल्ट देने के साथ साथ अपने आप को भी, अपनी एनर्जी को भी कंजर्व कर पाएंगे।
अगर आपके एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके उन्हें पोस्ट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनका जवाब बनाते हुए। अगर आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए, मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। होम स्टोरीज अंडर अ मिशन फ्री थर्सडे और संडे को हीलिंग देती है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी है जो पे नहीं कर सकते, जो अंडर प्रिविलेज है और किसी भी डिजीज़ से, क्रॉनिकल डिजीज़ से डील कर रहे हैं, आप हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके उनके लिए बुकिंग करा सकते हैं। टिल देन कीप लविंग, कीप हीलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।